माय चैनल, मैं हूँ सुबी, इंडियन गर्ल इन यूरोप। अभी मैं बर्लिन के मेन स्टेशन पे हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ की जो ICE ट्रेन्स हैं, जो कि सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं, यहाँ की फास्टेस्ट ट्रेन्स हैं, वो दिखाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं यहाँ की जो ICE ट्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें कौन कौन सी अच्छी बातें होती हैं। सो, ये जो ट्रेन है इसे बोलते हैं डॉयच बान इंटरसिटी एक्सप्रेस। अभी अभी आ गई है, ये फास्टेस्ट ट्रेन है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अंदर से ट्रेन कैसी है, ट्रेन में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो देखते हैं। और बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ट्रेन के अंदर, जो मैं एक बार अंदर घुस जाऊँ उसके बाद बताती हूँ। बिकॉज हम लोग बर्लिन से म्यूनिक जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को आज अपने साथ इस इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि फास्टेस्ट ट्रेन है, उसमें लेके चलती हूँ और अंदर और भी सारी बातें बताती हूँ। सो लेट्स गो। सिटी एंड यूरो सिटी ट्रेन। अगर आपको जर्मनी को या उसकी आसपास की कंट्रीज को एक्सप्लोर करना है तो ये जो है आप इस ट्रेन से कर सकते हो। 5 तरीके की ICE ट्रेन्स होती हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया वर्चुअल टूर में, इसकी सीट्स जो हैं बहुत कंफर्टेबल हैं, आपको फ्लाइट जैसा ही फील आएगा ट्रेन के अंदर, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है और आप इसके अंदर फ्री वाईफाई जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी सीट का सेल्फ चेक इन भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर बान कार्ड ले सकते हो, तो उससे आपको ना हमेशा जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए ये जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पीड। और जो स्पीड है वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होती रहती है। जैसे अभी 298 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये ट्रेन जो है वो भाग रही है, या ये मैं बोल दूँ उड़ रही है। और ये एक बेनिफिट है, ऑनलाइन वाईफाई कनेक्ट करके आप लाइव IPL भी देख सकते हैं। ये जो है वो बेस्ट फीचर है इस ट्रेन का, जो है इसका खुद का रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, प्लस आप अपनी सीट पे भी इनके बारकोड के थ्रू जो है वो मेन्यू देख सकते हैं, प्लस ऑर्डर कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सीट पे ही आप जो भी ऑर्डर करोगे वो लोग लेके आ जाएंगे। यहाँ पर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेगान बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, प्लस कॉफ़ी, बियर एंड और सारी तरीके की ड्रिंक्स जो हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। अब हमने सोचा कि इस रेस्टोरेंट में हम कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और आपको ट्रेन के अंदर का रेस्टोरेंट का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के रेट्स होते हैं वही है यहाँ के भी रेट्स। तो अभी हम लोग, जैसा कि मतलब मैंने तो मिंट टी जो है वो ऑर्डर करी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है इस ट्रेन की कि आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है, साथ में आपको बहुत सारे यहाँ पर मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, वेजिटेरियन, वीगान और अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हो तो। और ये ट्रेन, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई कि कनेक्ट करती है जर्मनी की तो बहुत सारी मेजर सिटीज़ को। एंड
हाँ, ये यूरोपियन जो कंट्रीज हैं आसपास की उसको भी कनेक्ट करती है, तो जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि आप इन ट्रेन्स के थ्रू यूरोप का जो है वो टूर ले सकते हो। ये ट्रेन्स जो है वो स्टार्ट होती हैं वन वे जर्नी फ्रॉम 17.90 यूरो से अनलिमिटेड, बिकॉज इनका जो फेयर है वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है डिपेंड ऑन आप किस टाइम पे कर रहे हो। जर्मनी में बहुत ज़्यादा ये एक कहावत है कि लोग जो है अपनी बुकिंग बहुत ज़्यादा एडवांस में कर लेते हैं। उसका यही रीज़न है कि कभी कभी आपको इस ट्रेन का जो टिकट है वो बहुत कम पड़ जाता है अगर आप एडवांस में बुकिंग करो, और अगर आप एडवांस में बुकिंग नहीं करते हो तो कभी कभी इसका जो टिकट है वो फेयर है वो आपका फ़्लाइट के टिकट से भी ज़्यादा हो जाता है। एंड प्लस आप बान कार्ड ले सकते हो जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा हर एक टिकट पे। डिशवॉशर और बाकी सारी चीज़ें, ऑफकोर्स होगी, रेस्टोरेंट है तो हो गई। तो अब हम अपनी सीट पे वापस जाते हुए इस तरीके की स्क्रीन लगी हुई है। हमने इस ट्रेन में सेकंड क्लास में ट्रैवल किया था। फर्स्ट क्लास में जो सीट्स होती हैं वो और ज़्यादा स्पेशियस होती हैं और कुछ और भी एडिशनल फीचर होते हैं जो कभी हम जब नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे फर्स्ट क्लास से तो बताएंगे। होपफुली आपको हमारा जो ये ट्रैवल जर्नी है और जो मैंने आपको फीचर्स बताए इस ट्रेन के अच्छे लगे हो। और अब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। आपको इस वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा हम लोगों को ज़रूर कमेंट करना। देखते ही देखते म्यूनिक भी आ गए। अब हम आ गए हैं और जल्दी ही आ गए हैं, मतलब वहाँ से कब 6 बजे निकले थे और 10 बजे हैं, 10 बजे करेक्ट टाइम पे पहुँच गए हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो ICE ट्रेन है डॉइच बान इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि लाइक अ फ्लाइट है विथ वाइडर लेग रूम, आपको कैसी लगी और इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी वो ज़रूर बताना।